हेलो फ्रेंड्स, मेरे पहाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है SI DBI की तरफ से आई हुई है, बैंक की तरफ से, और इस फॉर्म के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट आपको बताएगी ये ग्रेड ए और ग्रेड बी कि आपकी वैकेंसी इसमें आई हुई है। एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है आपकी 8 AR से फॉर्म स्टार्ट है और 2 बार को इसकी लास्ट डेट है। तब तक आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 2 बार को है। फेज़ 1 का एग्ज़ाम आपको बताया गया है 22 बार को और फेज सेकेंड का आपका 19 से 2025 को। फीस की अगर बात करेंगे तो जनरल OBC WS के लिए 1100 रुपये फीस है और SC ST श्रेणी के लिए 175 रुपये फीस है। और इस फीस को भी आप ऑनलाइन के माध्यम से कटा सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो ग्रेड ए के लिए आपको बताया गया 21 से 30 साल एज और ग्रेड बी के लिए 25 से 33 साल एज आपकी इसमें आ गई है। और आपको इसमें कैटेगरी वाइज इलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो आपको SI DBI की तरफ से छूट मिलेगी उस हिसाब से। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज डिटेल बताई गई है। टोटल आपकी 72 वैकेंसी है। जैसे इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50 पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है इसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और SC ST के लिए आपके 55% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रेलवे क्षेत्र में होना चाहिए। मैनेजर ग्रेड बी के लिए आपकी 10 पोस्ट है। बैचलर डिग्री मांगी गई है इसमें, इसमें सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल एक्सपीरियंस के साथ। मैनेजर ग्रेड बी लेवल के लिए 6 पोस्ट हैं और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल एक्सपीरियंस के साथ। मैनेजर ग्रेड बी के लिए है इन्फॉर्मेशन IT के लिए 6 पोस्ट है। पिछली डिग्री मांगी गई इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, आदि टेक्नोलॉजी में। और 60% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पोस्टों के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिया हुआ है। थैंक यू।